किया गया है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल संबोधित किया, और इसमें आज हमारी बैठक थी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ, डीसी थे हमारे, नोडल ऑफिसर खुलिया जी, एसपी मैडम, और सारे चार हमारे हलके पड़ते हैं, शाहबाद, लाड़वा, पेहवा और थानेसर, चारों के डीएसपी थे और बाकी फूड के ऑफिसर्स थे। और इसमें हमने ये तय किया कि कैसे हमने आने वाले समय में कटाई शुरू हो रही है तो किस तरीके से हमने इसको ख़रीदना है, और जो हमारे जितने भी ज़िम्मेदार हैं और जितने भी हमारे आढ़ती हैं उनके द्वारा कैसे खरीदारी होगी जिससे कि रश ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों की सहायता और किसानों की सहायता करें। साथ ही में जो फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किस तरीके से कि फेक लोग जो हैं उनके पास, मतलब जो फेक जिनके पास ऑलरेडी राशन बहुत पड़ा हुआ है, उनको बजाय हम सही जेन्युइन जो पीपल जिनको नीड है उनकी हेल्प करें। और जैसे हमारे ये मंडियां हैं, सब्जी मंडियां हैं, उसमें रश ना लगे और किस तरीके से उनको हम मैनेजमेंट करें और किस तरीके हमारा पुलिस प्रशासन है वो सुबह शाम चेकिंग करे। जो सुबह 5 बजे लोग कई ऐसे हैं जो सैर करने निकल जाते हैं, शाम को थोड़ा मौसम ठंडा होता है तो सैर करने निकल जाते हैं, तो उनको कैसे रोका जाए और वहाँ पर कैसे राइडर्स की द्वारा रेड की जाए जिससे कि ये लोग अपने घरों में रहें, तो ये हमने आज पूरी मीटिंग में फैसला लिया। मंत्री जी, सरसों यहाँ से खरीद शुरू हो रही है, इसमें क्या अपील रहेगी किसानों से? देखिए, मेरी अपील यही रहेगी कि आढ़तियों के साथ मैनेज करके और जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं इनके साथ मैनेज करके करें और ज़्यादा रश ना करें, और सरकार ने सारी सहायता सारी सहूलतें दी हुई हैं और इसमें आगे किसानों के लिए जो हमारी गेहूं है और जो हमारा फसल जो कट रही है और कटने वाली शुरू हो गई है उन उसके लिए भी काफ़ी हमने आज टेक्निकली तरीके से हमने मीटिंग करके उसमें तय कर दिया है, और लिस्टें बनेंगी डे बाय डे और आढ़ती अपने अपने लिस्ट के अनुसार जो जो एक दिन के 15-20 जो किसान होंगे उनको समय देंगे जिससे कि रश नहीं होगा और वो किसान उनसे अपना।